सोना ऐसा कीमती धातु है जिसका डिमांड कई सालों से बहुत ज्यादा रही है। जैसे पुराने जमाने में लोग सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। इसके सिवा पुराने वक्त में भी लोग सोने से बने गहनों का इस्तेमाल करते थे और आज भी सोने के गहने पहनना पसंद करते हैं, जिस कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि गोल्ड हजारों सालों से लोगों का पसंदीदा मेटल रहा है। पुराने वक्त में ज्यादातर राजा महाराजाओं के पास गोल्ड का बहुत इस्तेमाल होता था। बर्तन से लेकर तलवार जैसी चीजें गोल्ड से बनाई जाती थी। गोल्ड बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल होने के कारण आजकल लोग इसे इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड की प्राइस और डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि गोल्ड की प्राइस कम हो जाए, लेकिन ये नामुमकिन सी बात है। गोल्ड की प्राइस सालों से ऊपर बढ़ती जा रही है। शायद कभी ऐसा दिन भी आ सकता है कि गोल्ड खरीदना लोगों का सपना बन जाएगा। इन सारी बातों से ये सवाल आता है कि आखिर गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह क्या है। आप सोचेंगे कि गोल्ड महंगा है तो है, बहुत कुछ महंगा मिलता है, उसमें गोल्ड एक्सपेंसिव होने की कौन सी खास वजह है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड महंगे होने की कौन से कारण हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि जो चीजें बहुत दुर्लभ मिलती है और जिसकी खोजने में काफी मेहनत लगती है वो महंगी होती है। जैसे कि केसर, पिंक सॉल्ट, इन चीजों का उत्पादन करना मुश्किल काम है। पर सोने के मामले में ऐसा नहीं है, और भी कारण है जिस वजह से ये महंगा मिलता है। गोल्ड ऐसा मेटल है जो पूरी दुनिया में मिलने के बावजूद दुर्लभ है। सबसे ज्यादा गोल्ड इंडोनेशिया के पापुआ प्रोविंस और साउथ अफ्रीका में मिलता है, लेकिन गोल्ड पाने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है, जो एक बहुत ही मुश्किल काम है। माइनिंग ऑपरेशंस करना एक चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इस काम के लिए महत्वपूर्ण वक्त, फाइनेंशियल रिसोर्सेस और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ऐसे एक्सपर्टीज जिनको जियोग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का अच्छा नॉलेज हो। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि गोल्ड की खान खोजने में 1 से 10 साल लग जाते हैं। जमीन के नीचे एग्जैक्टली कहाँ पे गोल्ड मिल सकता है, उस पे रिसर्च स्टडी की जाती है। उसके बाद जमीन के अंदर घंटों तक काम करने के बाद कुछ मात्रा में गोल्ड मिलता है। एग्जैक्टली कितनी मात्रा में गोल्ड मिल सकता है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि जमीन के नीचे कुछ जगह पे गोल्ड बहुत ज्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। माइनिंग का काम करना थोड़ा जोखिम वाला भी है, जिस कारण ज्यादा मजदूर भी नहीं मिलते हैं। कम मजदूर होने की वजह से चाहिए उतना गोल्ड पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। उसके बाद गोल्ड की क्वालिटी अच्छी शाइनिंग करने के लिए उसे शुद्ध भी करना पड़ता है। जमीन से निकले गोल्ड को अच्छे से शुद्ध करने में काफी मेहनत लगती है। जमीन के नीचे कितना गोल्ड होगा उस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शायद कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा वक्त निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि गोल्ड बहुत कम दुर्लभ मिलने वाली चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो गोल्ड से बने ज्वेलरी का बहुत कम इस्तेमाल करते। पहली बार गोल्ड जमीन से आयरन निकलते वक्त पाया गया था। हम कब से कह रहे हैं कि गोल्ड दुर्लभ है, दुर्लभ मिलने वाले कारण महंगे हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो इतना भी दुर्लभ मिलने वाली चीज ये नहीं है। गोल्ड ही ऐसा दुर्लभ मेटल नहीं है, दूसरे मेटल्स भी ऐसे हैं जो दुर्लभ होने के बावजूद कम दाम पे मिलते हैं। ऐसा एक मेटल का एग्जांपल है रूथेनियम, जो पर केजी $9,000 यानी कि 6,38,860 इंडियन रुपीज में मिलता है। और अगर आप सेम क्वांटिटी में गोल्ड खरीदते हैं तो उसकी प्राइस $41,149 है, यानी इंडियन रुपीज के हिसाब से 29,20,632 रुपीज। इसके सिवा दुनिया का दुर्लभ मेटल लिस्ट में गोल्ड 7th और रूथेनियम 6th नंबर पे है। उसके बाद दुर्लभ मेटल्स की लिस्ट में वो मेटल आता है जो आजकल थोड़ा बहुत पॉपुलर हो रहा है। वो मेटल है प्लेटिनियम, जो पुराने वक्त में एक्सपेंसिव मिलता था, लेकिन अब प्लेटिनियम की पर केजी प्राइस $26,106 यानी इंडियन रुपीज में 1,08,49 रुपीज है। मतलब आप देख सकते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनियम की प्राइस में काफी ज्यादा फर्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई मेटल का दुर्लभ होना ये वजह नहीं है कि वो महंगा मिलता है, नहीं तो प्लेटिनियम गोल्ड से भी ज्यादा महंगा मिलता, क्योंकि प्लेटिनियम थोड़ा ज्यादा शाइनी होता है। तो आखिर गोल्ड सबसे ज्यादा महंगा होने की क्या वजह है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, गोल्ड सालों से लोगों का पसंदीदा मेटल रहा है और आज भी लोगों को गोल्ड से बनी चीजें ज्यादा आकर्षित करती है। इसीलिए अगर आप गोल्ड और प्लेटिनियम की ज्वेलरी साथ रखेंगे तो भी लोग गोल्ड लेना ही पसंद
पसंद करेंगे। गोल्ड की डिमांड ज्यादा होने की एक और वजह है कि लोगों को इसकी क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग गारंटी पे भरोसा है, और ये गारंटी नहीं है कि प्लेटिनम की क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। दूसरी वजह है कि गोल्ड बाकी मेटल्स के मुताबिक ऐसा है जो सालों तक वैसा ही अच्छा रहता है, उस पे बाहर की हवा के कारण जंग नहीं लगती है, ना ही वो पानी में खराब होता है, जिस कारण काफी महिलाएं गोल्ड के गहने रोज यूज करती है। पर क्या आप जानते हैं गोल्ड जमीन से नीचे आया कहाँ से? शायद कुछ लोग ये इंटरेस्टिंग कहानी जानते होंगे। गोल्ड कहाँ से आया उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। काफी सालों पहले मिटियोराइट्स यानी जैसे टूटा हुआ तारा कहते हैं, वो धरती पे गिरा था। वो मिटियोराइट्स गोल्ड से भरे हुए थे जो धरती में समा गए। लेकिन दुनिया में साइंस के कॉन्सेप्ट्स आने के पहले पुराने लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि गोल्ड आता कहाँ से है। इजिप्शियंस लोग गोल्ड को ब्रेथ ऑफ गॉड कहा करते थे। ऐसा लोगों ने गोल्ड के अलग अलग नाम रखे थे। इस मेटल को गोल्ड ये नाम ओल्ड इंग्लिश वर्ड जियोलो से मिला है। जियोलो का मतलब होता है येलो। गोल्ड येलो होने के कारण इसे ये नाम दिया है। रियल में गोल्ड आया कहाँ से ये कोई नहीं जानता था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा साइंस बैकग्राउंड में जाना होगा। स्कूल टाइम में पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स सीखा था, उसे याद करते हैं। पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन्स और न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स के बारे में सीखा था। किसी भी मेटल में एटॉमिक कंपोजिशन होता है, जैसे प्लैटिनम में 78 प्रोटॉन्स और 117 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह गोल्ड में 79 प्रोटॉन्स और 118 न्यूट्रिएंट्स एटम का हैवी कंपोजिशन होता है। मतलब इस कंपैरिजन से देख सकते हैं कि प्लैटिनम से गोल्ड में एटॉमिक कंपोजिशन ज्यादा है। साइंस के कारण लोगों को गोल्ड की रियल वैल्यू क्या है वो पता चली। सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के सिवा एक और महत्वपूर्ण बात है जिस कारण गोल्ड सबसे ज्यादा डिमांड में है, वो है इन्वेस्टमेंट। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, सालों से लोगों का सोने की शुद्धता पे भरोसा है जिस कारण वो काफी सालों तक अच्छा रहता है। इसीलिए पैसों की जरूरत पड़ने पे लोग सोने की चीजों को बेचते हैं जिसका मार्केट प्राइस के हिसाब से अच्छा दाम भी मिलता है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, जमीन या घर खरीदना, लेकिन लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि थोड़े पैसे जमा करके 1-2 ग्राम गोल्ड खरीद के रख सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट्स के मुताबिक गोल्ड की प्राइस ज्यादातर बढ़ती ही रहती है, लेकिन शेयर मार्केट की प्राइस या घर के प्राइस वक्त के साथ बदलते रहते हैं, जिस कारण लाखों के इन्वेस्टमेंट करके डूबने से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं। हजारों सालों से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि आगे भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी। इकोनॉमिक्स में एक लॉजिक है, जितना ज्यादा डिमांड उतनी प्राइस बढ़ेगी। इसीलिए अगर आप 2001 से 2011 तक गोल्ड प्राइसेस देखेंगे तो पता चलेगा कि गोल्ड की कीमत कभी कम नहीं थी, उल्टा बदलते वक्त के साथ गोल्ड के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके सिवा क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी कंट्री का करेंसी प्रिंट करना कंट्री के पास कितना गोल्ड है उस पे डिपेंड करता है। अगर कंट्री के पास गोल्ड कम रहेगा तो वो ज्यादा करेंसी नहीं प्रिंट कर सकते। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन सिल्वर मेटल का क्या? आज के वक्त में सिल्वर भी इस्तेमाल होता है, पर सिल्वर से बनी चीजों की शाइन ज्यादा समय तक अच्छी नहीं रहती है, जिस कारण सिल्वर की डिमांड कम है। इसीलिए गोल्ड के मुताबिक सिल्वर सस्ता मिलता है। सारे मेटल्स के कंपैरिजन में गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जो पूरी तरह से परफेक्ट है, जल्दी से मेल्ट होता है, लंबे समय तक गोल्ड की क्वालिटी अच्छी रहती है। बाकी मेटल से गोल्ड सॉफ्ट होने के कारण आप उसे जैसा चाहिए वैसा शेप दे सकते हैं। गोल्ड एक्सपेंसिव होने की सबसे पहली बात, गोल्ड जमीन के नीचे मिलता है, जिसे ढूंढना और निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसा काम है जिसे करने में सालों की मेहनत लगती है। उसके बाद गोल्ड की लॉन्ग लास्टिंग गारंटी के कारण उसकी डिमांड ज्यादा है। सबसे जरूरी बात, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से नुकसान नहीं होता है क्योंकि यह सालों तक अच्छा रहता है, साथ ही इसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ती जाती है। गोल्ड के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होने के कारण बाकी मेटल्स के मुताबिक सबसे महंगा है। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।